आज हम सीखेंगे मोबाइल की होम स्क्रीन पर बार बार एड्स आते हैं, उस एड को कैसे बंद करें। यहाँ पर मैं आप लोगों को तीन स्टेप बताऊंगा, उस तीन स्टेप में आपकी जो एड वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ पर जो पहली स्टेप है, आप लोगों को सेटिंग पर जाना है। देन सेटिंग पर आप लोग जैसे ही चले जाओगे, आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके गूगल फाइंड कर लेना है। गूगल आप लोग जैसे ही फाइंड कर लेते हैं, देन उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर एक एड्स वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप कर लीजिए। इस पर जैसे ही आप लोग टैप करोगे, देन यहाँ पर जो भी ऑन है उसको सारे को आपको इस तरीके से ऑफ कर लेना है। ये पहली स्टेप है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, इसके ही नीचे एक ऑप्शन आप लोग को मिलता है, एड्स बाय गूगल। इस पर आप लोग टैप कर लीजिए। इस पर जैसे ही टैप करेंगे, आप लोगों को एक ब्राउजर सेलेक्ट करना है। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा क्रोम ब्राउजर को ही आप लोग सिलेक्ट करें। सो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आप सभी लोग देख सकते हैं, इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा। अब आपको धीरे से स्लाइड करके नीचे जाना है और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है, ऐड सेटिंग। सो ऐड सेटिंग पर आप लोग जैसे ही टैप करोगे, टैप करने के बाद देख लीजिए हमारा जो ऐड वाला सेटिंग है वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या काम करना है, सबसे पहले तो आप सभी लोग देख सकते हैं आप लोग कौन कौन सी वेबसाइट के थ्रू आपको ऐड दिखाया जाता है। जैसे कि देख लीजिए, हम होम स्क्रीन पर है और बार बार यहाँ पर पॉपअप आ जाता है होम स्क्रीन पर ऐड का। सो उस ऐड को बंद करने का ही मैं ट्रिक आप लोगों को समझा रहा हूँ। सो यहाँ पर देख लीजिए वो कैसे दिखाया जाता है, मैं बताऊँगा आप लोगों को। यहाँ पर जो वेबसाइट होती है, जो वेबसाइट के अंदर हम लॉगिन करते हैं या फिर कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, सो वो सारी वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पर अगर जो आपकी काम की है, जिसके आपने डेटा को सेव करा है, उसको रहने दीजिए, या फिर आप लोग इसको एक एक से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, अब ये सबसे वर्ल्ड म्यूजिक है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, सो यहाँ पर ऐड टर्न ऑफ, मैं ऐड को इसके टर्न ऑफ कर सकता हूँ। सो आप लोग इस तरीके से एक एक से भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। और आपको लगता है कि मुझे कोई भी वेबसाइट का ऐड नहीं चाहिए, सो आप लोग क्या करिए, यहाँ पर धीरे से आइए ऊपर साइड में और एक साथ सारे ऐड को बंद कर सकते हैं। सो इसको आप लोगों को ऑफ कर लेना है, टर्न ऑफ मैंने जैसे ही क्लिक करा, देन देख लीजिए इस तरीके से हमारे जितने भी ऐड है वो अब होम स्क्रीन पर नहीं आएंगे। तो ये हमारी सेकंड स्टेप थी। अब यहाँ पर मैं थर्ड स्टेप आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जैसे कि पूरा हमने होम ले लिया, अब थर्ड जो स्टेप है, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। देन क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद देख लीजिए इस तरीके से आपके सामने होम स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को ऊपर साइड में तीन डॉट पर क्लिक करना है, देन आप लोगों को नीचे सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी लोग देख लीजिए नीचे नीचे आइए धीरे धीरे, और आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है, साइट सेटिंग। सो इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। साइट सेटिंग पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, नीचे आप लोगों को आना है और आप लोगों को यहाँ पर एड्स का ऑप्शन एक मिलता है। सो इस पर क्लिक कर लीजिए और इस एड्स को यहाँ से ऑफ कर लीजिए। ऑफ करने के बाद ये तीन जो वे मैंने बताया, तीन स्टेप, इस तीन स्टेप में आप लोग यहाँ पर ऐड को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो ऐड वाला प्रॉब्लम है, जो मोबाइल के होम स्क्रीन पर बार बार आता है, वो आसानी से डिसेबल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आया हो, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करें प्यारा सा, और बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।